और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। राज्यपाल ने बीएस येदुरप्पा को सरकार बनाने के लिए कहा है और इसे लेकर उन्हें राजभवन भी बुलाया है। कल येदुरप्पा सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जो मिल रही है वो यही है कि कर्नाटक के राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता भेज दिया है। राज्यपाल ने बीएस येदुरप्पा को सरकार बनाने के लिए कहा है और इसे लेकर उन्हें राजभवन भी बुलाया है और कल येदुरप्पा सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, तमाम ट्विस्ट एंड टर्न्स आने के बाद अब इस वक्त जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कल येदुरप्पा सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। राज्यपाल ने बीएस येदुरप्पा को सरकार बनाने के लिए कहा है और सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर मिल रही है वो ये है कि रात 8 बजे न्योता मिल सकता है बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। लगातार इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं और अब से कुछ ही देर में राज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो कल येदुरप्पा शपथ भी ले सकते हैं। इस वक्त की अहम खबर, कर्नाटक पर लगातार सबकी नजर बनी हुई है और अहम अपडेट इस वक्त का यही कि सूत्रों के मुताबिक रात 8 बजे राज्यपाल बीएस येदुरप्पा और बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का 8 बजे न्योता देने की खबर आ रही है और कांग्रेस पहले ही यह साफ कर चुकी है कि अगर ऐसा होता है तो वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। खबर यह भी मिल रही है कि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कर्नाटक में इस वक्त जो सियासी घमासान मचा है उसके बीच दो अहम खबरें जो हमें सूत्रों के मुताबिक मिल रही हैं। पहली खबर ये कि रात 8 बजे बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता कर्नाटक के राज्यपाल दे सकते हैं और दूसरी अहम खबर ये कि 8:15 बजे के करीब कांग्रेस नेता पी चिदंबरम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कांग्रेस पहले ही यह साफ कर चुकी है कि अगर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिलता है तो वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। लेकिन बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है और खबर यही है कि राज्यपाल अब से कुछ ही देर में येदुरप्पा को सरकार बनाने के लिए न्योता दे सकते हैं। येदुरप्पा की चिट्ठी को मंजूरी मिल गई है, यह खबर हमें सूत्रों से मिल रही है और अब से कुछ ही देर में येदुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। वहीं कांग्रेस ने भी यह ठान लिया है कि वो बीजेपी का आगे का रास्ता मुश्किल बनाएगी और इसीलिए कांग्रेस भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रही है। जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस वक्त की बड़ी खबर, रात 8 बजे न्योता मिल जाएगा येदुरप्पा को सरकार बनाने के लिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज से तमाम सियासी डेवलपमेंट्स के बीच में दो अहम खबरें इस वक्त बेंगलुरु से निकल के आ रही हैं। बीजेपी को गवर्नर सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं, पहली खबर। और दूसरी खबर यह है कि ओथ टेकिंग सेरेमनी कल हो सकती है, यानी कल सुबह ओथ टेकिंग सेरेमनी बेंगलुरु में की जा सकती है। ये दो अहम खबरें इस वक्त बेंगलुरु से निकल के आ रही हैं। इस वक्त हम राजभवन के बाहर मौजूद हैं और अभी भी हलचल यहाँ है। तमाम अलग अलग पार्टियों के समर्थक इस वक्त भी मौजूद हैं, पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है, इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके की बात निकल के आ रही है, हालांकि अभी तक ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये दो बड़ी अहम खबरें पिछले सहयोगी रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अगर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिलता है तो कांग्रेस इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगी और पी चिदंबरम अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।
देखिए, अगर संकेतों को पढ़ा जाए राजनीति में तो ये साफ है कि बीजेपी को मौका मिल चुका है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि कांग्रेस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अदरवाइज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं था, यानी कांग्रेस को भी ये संकेत संदेश पहुंच चुका है कि राज्यपाल ने बीजेपी को न्योता दे दिया है सरकार बनाने के लिए। इसीलिए चूंकि आपको बताया था मैंने दिन में कि कांग्रेस की तरफ से तैयारी की जा रही थी, लीगल जितने लोग हैं, जितने सीनियर नेता हैं, जो वकील हैं, वो सारे लोग इस तैयारी कर रहे थे कि जैसे ही ये मामला उधर से होगा, न्योता दिया जाएगा बीजेपी को, वैसे ही यहाँ से कांग्रेस की तरफ से मैसेज दिया जाएगा कि वो कोर्ट में इस मामले को चुनौती देंगे। तो ये लगभग तय है, जो राजनीति में संकेतों को पढ़ा जाए तो ये साफ है कि ऐसा लग रहा है कि राज्यपाल ने उनको न्योता दे दिया है बीजेपी को सरकार बनाने के लिए, और ये संदेश कांग्रेस तक भी पहुंच गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जी, और अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार बेंगलुरु से। अमित, राजभवन में इस वक्त बहुत ज्यादा एक्शन है और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अदिति, अभी जो रवि जो बात कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं मैं। आपसे थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और इतनी जल्दी में इतना अचानक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान होता है। अब से 5 मिनट पहले ये मैसेज आया है कि पी चिदम्बरम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिल्ली में। इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं ये संदेश पहुँच चुका है कि राजभवन से न्योता बीजेपी को मिल सकता है इस सरकार बनाने का, और कल ओथ टेकिंग सेरेमनी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक के राज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। अब से कुछ ही देर में राज्यपाल ने बीएस येदुरप्पा को सरकार बनाने के लिए कहा है, अब से कुछ ही देर में इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आ सकता है, और अगर इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आता है तो येदुरप्पा कल सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, जो फिलहाल सूत्र हमें बता रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी।